गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 9 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसमें हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम वायु की। जो स्थिर कण होते हैं, ठीक है, वो वायु कहलाती है। हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है, हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे क्या कहते हैं ना, वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे चारों ओर वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं कि वायु जब गतिशील होती है, वायु जब गतिशील होती है, इसमें जब गति होती है वायु में, तो इसे क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। जब वायु गतिशील होती है तो इसे क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। जो स्थिर कण होते हैं वायु, और जब वायु क्या हो जाती है ना, गतिशील हो जाती है, गतिमान हो जाती है। ठीक है, जब इसमें क्या होता है ना, गति होती है, तो वायु क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कारणों से पवन चलती है। ठीक है, फिर हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी को सर्वाधिक ऊर्जा, पृथ्वी को सर्वाधिक ऊर्जा किस से प्राप्त होती है, पृथ्वी को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्ति का जो स्रोत है वो क्या है, तो हम लिखेंगे सूर्य। पृथ्वी को जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है, लगभग पृथ्वी को जब हम ऊर्जा की प्राप्ति की चर्चा करते हैं तो कहाँ से प्राप्त होती है ना, सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। आगे हम चर्चा करें, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से तापमान पाया जाता है, और दाब की हम बात करते हैं, दाब की भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता पाई जाती है और दाब की भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न स्थानों पर हम चर्चा करते हैं, अलग अलग स्थानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर अलग प्रकार से, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में अलग प्रकार से, जलीय क्षेत्रों में अलग प्रकार से, सभी जगह, ठीक है, ऋतुओं के अनुसार भी तापमान में पृथ्वी पर क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, और दाब में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान और दाब में क्या आती है ना, कमी आती है। ठीक है, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि धरातल पर विभिन्न स्थानों पर तापमान और दाब का वितरण कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं, जबकि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पर दाब का वितरण भी असमान पाया जाता है और तापमान का वितरण भी असमान पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पर दाब और तापमान की इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है, सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है। हम चर्चा करते हैं कि सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है, ये पृथ्वी हमारी, पृथ्वी को जो क्या होती है ना, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य की किरणें यहाँ पे आती है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या करता है, इस ऊर्जा को सोखता है कहीं ना कहीं, हम बात करते हैं, और यानी कि ऊर्जा यहाँ पे आती है और पृथ्वी से यहाँ पर परावर्तित होकर चली जाती है, जिससे ना तो पृथ्वी अधिक ठंडी होती है और ना पृथ्वी अधिक गर्म होती है। इस प्रकार की हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। अब हमारा जो मुख्य बिंदु है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सौर विकिरण की हम चर्चा करते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो विकिरण है, जैसे कि हम बात करें, हमारा धरातल है, ये सूर्य है, धरातल और ये सूर्य है। सूर्य से जो धरातल की ओर विकिरण जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहा जाता है। इन सौर विकिरणों को हम लघु तरंगे भी बोलते हैं या लघु विकिरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु तरंगे या सौर विकिरण भी बोलते हैं। लघु विकिरण या सौर विकिरण या लघु तरंगे कहते हैं, जब ये धरातल से टकराकर वायुमंडल में वापस जाती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ तरंगे या पार्थिव विकिरण कहते हैं। जब सूर्य से धरातल पर इस प्रकार से जो किरणें आती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं या लघु विकिरण कहते हैं। जब ये धरातल से टकराकर वापस जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ तरंगे या पार्थिव विकिरण कहा जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार से हम चर्चा करते हैं पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ठीक है, जो कहाँ से, सूर्य से प्राप्त हो रही, सौर विकिरण के रूप में प्राप्त हो रही है, इसे क्या कहा जाता है, सूर्य तप या इंसोलेशन कहा जाता है। पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी को
पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, हमने पहले भी चर्चा की है। पृथ्वी का आकार हम कहते हैं गोल जैसा है, गोल है, ठीक है। गोल तो हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भौगोलिक लैंग्वेज में, पृथ्वी का आकार है भू आब या जियोड। कैसा है ना पृथ्वी का आकार? भू आब या जियोड। पृथ्वी का आकार द शेप ऑफ द अर्थ जियोड, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी पर औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो ऊर्जा है वो कितनी है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा। 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा, ठीक है। इसे हम चर्चा करते हैं, ये पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसकी ऊपरी सतह पर इस प्रकार से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो एवरेज हमें बताई गई है कितनी है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब हम चर्चा करते हैं कि जो सूर्य तप प्राप्त होता है धरातल पर, जो सूर्य तप प्राप्त होता है उसकी स्थितियां अलग अलग प्रकार से आपको बताई गई है कि विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान की दशाएं पाई जाती है, ताप अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। जब सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है और सब दूर होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, क्या होती है ना, अधिकतम दूरी होती है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसोर कहा जाता है। वो कब होती है? 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। लगभग कितने बताई गई? 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितने बताई गई? 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर ये क्या है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो अधिकतम दूरी है उसे क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। कब होती है? 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई को। और कितनी है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी है ना? 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो निकटतम दूरी है, सबसे नजदीक की जो दूरी है, उसे क्या कहा जाता है? उपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसोर कहा जाता है। और ये उपसोर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी में। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और दूरी कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। अगर हम इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है, तो हम कह सकते हैं लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर। कितनी है लगभग? 14.95। अगर हम इसकी औसत दूरी लें 14.95 करोड़ किलोमीटर, ये क्या है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो अधिकतम दूरी है उसे हम अपसोर कहेंगे, और जो निकटतम दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? उपसोर कहेंगे। उपसोर कब होता है? 3 जनवरी को। अपसोर कब होता है? 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी कितनी है? 15.2 करोड़ किलोमीटर, और निकटतम दूरी कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं दैनिक जो तापमान है सूर्य तप का बदलता रहता है। इस 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या होती है? निकटतम दूरी होती है। इस समय क्या होता है? पृथ्वी पर तापमान अधिक प्राप्त होता है, ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, और 4 जुलाई को निकट अधिकतम दूरी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा कम प्राप्त होती है। अपेक्षाकृत उपसोर से अपसोर में ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर कम प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है, धरातल की जो सतह है, ठीक है, इसमें सूर्य तप में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। किसमें भिन्नता पाई जाती है? सूर्य तप में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अब सूर्य तप में पाई जाने वाली भिन्नता की चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। हमें पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर
कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये जब अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। जो भाग सूर्य के सामने होता है वो ऊर्जा अधिक प्राप्त करता है, और जो पीछे की तरफ होता है वो कम ऊर्जा प्राप्त करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो सूर्य के सामने वाले भाग पर अधिक ऊर्जा होगी ना। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि यहाँ पे सूर्य तब में भिन्नता पाई जाती है। सूर्य किरणों का नति कोण, अगर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वहां पर ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी, और हम बात करते हैं लंबवत नहीं पड़कर तिरछी पड़ रही है तो वहां पर क्या होगा ना, सूर्य की ऊर्जा कम प्राप्त होगी। दिन की अवधि की बात करें, अगर दिन की अवधि लंबी है तो ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी, दिन की अवधि कम है, रात की अवधि ज्यादा है तो वहां पर ऊर्जा कम प्राप्त होगी। वायुमंडल अगर पारदर्शी है, वायुमंडल पारदर्शी है तो क्या होगा, सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, और वायुमंडल में पारदर्शिता नहीं है तो सूर्य तप की हम कहेंगे कि कमी रहेगी। उसके अलावा हम स्थल विन्यास की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार से जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे ऊर्जा की प्राप्ति, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ऊर्जा की प्राप्ति, अलग अलग स्थानों पर स्थल विन्यास की चर्चा करते हैं, क्या होती है, भिन्नता तापमान की प्राप्ति में पाई जाती है, यानी कि सूर्य से उन्हें मिलने वाली ऊर्जा में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है।